बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत मिलने वाली है। हालांकि अभी जो है इस पर केवल सहमति बनी है, आदेश जारी नहीं किया गया है। तीसरी संतान को लेकर लगातार हमेशा से विवाद की स्थिति बनती आई रही है, लेकिन अब यह स्थिति क्लियर होने वाली है। इसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार नए नियम बनाने जा रही है। वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। तीसरी संतान होने पर लड़ सकेंगे पंचायत के चुनाव और नहीं जाएगी शासकीय नौकरी। अभी तक इस पर कोई शिकायत होती थी तो दो से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी भी हाथ धोना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में संशोधित हो सकती है ढाई दशक से लागू टू चाइल्ड पॉलिसी, यानी दो बच्चों वाला जो नियम है उसको बदला जा सकता है। पूरा अपडेट देख लीजिएगा, अभी के काम की है। और बड़ी खबर है भोपाल से, मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू टू चाइल्ड पॉलिसी को शिथिल करने की तैयारी जारी है। शासकीय कर्मचारियों को तीसरी संतान पैदा करने की छूट मिल सकती है। वहीं नेता पंचायत चुनाव भी लड़ सकेंगे। जनसंख्या नियंत्रण की मंशा से करीब ढाई दशक पहले लागू किए गए इस कानून को संशोधित करने जल्दी ही विधानसभा में विधेयक लाया जा सकता है। कानून में संशोधन के बाद हम दो हमारे दो का भी नारा बदल जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी टू चाइल्ड पॉलिसी को रद्द करने की चर्चा चल रही है। मध्य प्रदेश में 26 जनवरी सन 2001 के बाद से नियम लागू किया गया है। शासकीय कर्मचारियों की यदि तीसरी संतान पैदा होगी, 26 जनवरी 2001 के बाद अगर तीसरी संतान पैदा होगी तो वह सरकारी नौकरी के लिए अपात्र मान लिया जाएगा। टू चाइल्ड पॉलिसी के चलते प्रदेश में कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। मध्य प्रदेश के साथ ही देश के कुछ और राज्यों में भी इस मुद्दे पर बहस चल रही है। वहीं विभागीय व सियासी सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में सत्ता और संगठन के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श के बाद नियम में संशोधन करने पर सहमत हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत की भी कुछ दिन पहले आबादी संतुलन बिगड़ने और गिरती प्रजनन दर पर चिंता जताते हुए तीन बच्चा पैदा करने की वकालत कर चुके हैं। वहीं बदल गया स्टैंड, तो यहां पर जो स्टाइपेंड होता है, यहां पर आप देखेंगे कि RSS की तरफ से जब सहमति मिल चुकी है तो RSS में पूर्व जनसंख्या नियंत्रण का पैरोकार कर रहा था, लेकिन अचानक उसने अपना स्टैंड बदल लिया है। भागवत के पहले आंध्र प्रदेश के CM एन चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु में मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील कर चुके हैं। वहीं आधिकारिक बयान भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप देख लें कि इससे अभी तक जो नुकसान हुआ ज्यादातर सरकारी नौकरियों पर हुआ, इन पर गिरी गाज। भिंड में CM राइज स्कूल के अंग्रेजी विषय के टीचर गणेश प्रसाद शर्मा की नियुक्ति 6 माह पूर्व तीसरी संतान के चलते निरस्त कर दी गई। इसी तरह पिछले साल जून में स्कूल शिक्षा विभाग में रहमत बानो मंसूरी की सेवाएं भी समाप्त कर दी गईं। अन्य विभागों में भी इस तरह के कई मामले देखने को मिल रहे हैं। वहीं यहां पर अभी जो टू चाइल्ड पॉलिसी है किन किन राज्यों में लागू है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 1994 से कानून दो से ज्यादा बच्चे वाले पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं आंध्र प्रदेश में। वहीं असम में 1 जनवरी 2021 से इस कानून को लागू किया गया है। गुजरात पंचायत और निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जिनकी दो से ज्यादा संतानें हैं। वहीं ओडिशा में शासकीय नौकरी और पंचायत चुनाव के लिए आयोग माना जाता है। राजस्थान में शासकीय नौकरी और पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो ये कुछ लेटेस्ट थे। अभी जो आप देखेंगे इस पर बयान, आबादी नियंत्रण कानून जो है कारगर रहा। यहाँ पर मध्य प्रदेश में 2001 से यह कानून लागू किया गया, आबादी नियंत्रण में काफी कारगर साबित हुआ। और राज्य में जब यह नीति बनाई गई उस समय दो से अधिक
संतान और बाल विवाह का प्रचलन ज्यादा था। इस वजह से यह कानून बनाया गया जो कारगर भी साबित हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो कानून है उसको आपको समझ लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में सिविल सेवा की सामान्य शर्तें और नियम 1961 के नियम 6 में 10 मार्च 2000 को संशोधन किया गया। ध्यान रखिएगा 1961 के सिविल सेवा नियम के तहत यहां पर 10 मार्च 2000 सन 2000 को संशोधन किया गया। इसके पहले यहां पर अलाउ था लेकिन 10 मार्च 2000 सन 2000 को संशोधन किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि कोई भी शासकीय कर्मचारी जिसकी दो से अधिक संतानें हैं और जिनमें से किसी एक भी संतान का जन्म 26 जनवरी सन 2001 को हुआ है या उसके बाद हुआ है तो वह किसी यहां पर किसी भी प्रकार की शासकीय सेवा अथवा शासकीय पद के लिए पात्र नहीं होगा। तो ये संशोधन यहाँ पर किया गया था, ये 26 जनवरी सन 2001 के पहले अगर दो से ज़्यादा हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन जो नियम बनाया गया 26 जनवरी सन 2001 के बाद अगर पहले से दो हैं तो फिर नहीं होना चाहिए तीसरा बच्चा, यहाँ पर ये नियम बना दिया गया। या फिर जिसके नहीं है उसके 26 जनवरी 2001 के बाद दो ही संतान होनी चाहिए थी, अगर तीन हैं तो उनको इन योजनाओं का सरकारी नौकरी वगैरह का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही अब इस पर जब बदला जाएगा इस पर आधिकारिक बयान भी आपको दिखा देते हैं, अधिकारियों ने यहाँ पर क्या बयान दिया है। अगर ये बयान सही साबित हुए, चूंकि आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये खबरें निकल के आ रही हैं कि जो सरकार में है, सत्ता पक्ष में है, जो मंत्री हैं उन्होंने वो खुद चाहते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है। अब यहाँ पर अधिकारियों ने फिलहाल अभी जो है क्या बयान दिया है, देखिए कोई कमेंट करने से इनकार कर दिया गया है, चूँकि अभी इसका जो है यहाँ पर प्रस्ताव वगैरह पारित नहीं किया गया है और अभी केवल चर्चाएं हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश की टू चाइल्ड पॉलिसी संशोधन के संदर्भ में जब सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे से पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं संजय दुबे ने सीधी तौर पर इनकार किया कि इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब खबरें निकल के आती हैं समझिए अंदर हलचल चल रही है, देर सवेर सही लेकिन नियम बदलेगा ये आप जानिए। फिलहाल वर्तमान में इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनको स्पष्ट कर दें कि अभी दो संतान का नियम ही लागू है, 26 जनवरी 2001 के बाद अभी पुराना वाला नियम ही लागू है। लेकिन अभी नया नियम जो है जैसे ही आएगा उसको हम दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देंगे। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।